ग्वालियर में पैसे के लेन देन पर मावा व्यापारी और मिठाई कारोबारी की विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो मावा व्यापारी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मिठाई व्यवसायी को पीट दिया। मावा व्यापारी ने कुछ पैसे मिठाई व्यवसायी पर निकल रहे थे, जिन्हें लेने के उसे बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मिठाई व्यवसायी की शिकायत पर तीन को गिरफ्तार किया है। मुरार गंगा माय संतर में मावा और मिठाई की व्यवसायी होता है। यहाँ गुप्ता मिष्ठान भंडार के संचालक मोहित गुप्ता शाम को अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी वहां मावा का व्यवसायी करने वाला नरेश चौहान अपने दोस्तों को हरिओम चौहान विजय तोमर के साथ आया। उसने दुकान में घुसकर मिठाई व्यवसायी की लात घूंसों से जमकर मारपीट कर दी और वहां से भाग निकले। मिठाई व्यवसायी के साथ हुई मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी सूचना तत्काल गुप्ता मिष्ठान भंडार के संचालक ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और जहां जांच पड़ताल के बाद मिठाई व्यवसायी की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। मावा व्यापारी नरेश चौहान से मिठाई व्यवसायी मोहित गुप्ता ने 80,000 रुपये का मावा उधारी पर लिया था, जिसमें से मिठाई व्यवसायी 60,000 रुपये नरेश चौहान को दे चुका था। शेष बचे 20,000 रुपये नहीं दे रहा था, जिसे लेने के मावा व्यापारी नरेश चौहान को लगातार दुकान के चक्कर लगा रहा था। दोनों के बीच फोन पर भी रुपयों को लेकर बहस हुई थी। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।